बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, यू आर ऑन एयर। वालेकुम सलाम, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम हजरत जी, मैं शाकरा मसरूर, मैं शाकरा मसरूर की छोटी सिस्टर सौरभ सिद्दीकी बात कर रही हूँ इंडिया से। आपकी बारे में काफी तारीफ करती हैं। आप ही बता रही थी कि आपके वजह से काफी फायदा हुआ है, खुदा करे आपको लंबी उम्र दे और आपका फैज और बरकत पूरा आलम में मशहूर हो। मुझे पूछना था कि मेरा जो जेवर है ये चोरी हो गई है एक महीना पहले, तो अभी तक मुझे ना वो जेवर हासिल नहीं हुआ है। तो ये मुझे कहना था कि हजरत जी से कि थोड़ा दुआ कर लेते हैं कि ताकि मेरा जेवर मिल जाता और कुछ पढ़ने के लिए दुआ बता देते हैं, बहुत परेशान हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके कॉल का जी। देखिए माशा शाकरा मसरूर की छोटी बहन जो है ज़ोहरा सिद्दीकी बात कर रही हैं इंडिया से। अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए और हमारे वज़ाइफ़ से आपको फ़ायदा पहुँचे। तो आज ही हमने अलजामियों पर गुफ्तगू की है गुमशुदा चीज़ों के बारे में, तो आज ही आपने जेवर की बात की, कोई गुम हो गया है तो बिल्कुल वहाँ मैंने बता दिया है कि वो जेवर गुम हो जाए तो या जामियों किस तरीके से पढ़ना है, तो वो एक अमल कर लें। और दूसरा जो है सूरत लुकमान आयत नंबर 16, सूरत लुकमान आयत नंबर 16 ये 101 दफ़ा पढ़नी है ईशा के बाद, 101 दफ़ा पढ़ें और उसके बाद 19 दफ़ा या हफीज़ पढ़ें। तो ये पढ़ के जो है वो दुआ करती रहें और साथ ही आज जामियों वाला जो अमल जो मैंने आज बताया वो भी शामिल कर लें। इंशाल्लाह अल्लाह के नाम से जो है वो 3 हफ्ते के अंदर ही आपकी गुमशुदा चीज़ मिल जाएगी, मैं भी दिल से दुआ करता हूँ। बहुत शुक्रिया।